वायनाड को बाय बाय कले राहुल। चलित निर्वाचन रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुईटी आसन निर्वाचन लड़ी बाजिमात करते तेरे राहुल केउ आसन रखिबे एउ केउ आसन छाड़बे ताकु नै आलोचना चलता तेरे चर्चा एवं पूर्णच्छेद पड़ जाइछि। राहुल राय बरेली सीट्रु सांसद रहिबे बोली निष्पत्ति नै एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सूचना देछन्ति। हमारे नेता राहुल गांधी जी दो जगह से चुन के आए हैं, कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके उनके बहुत नज़दीक है, उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। अन्य पटे वायनाड रो प्रियंका गांधी उपनिर्वाचन लड़िबे बोली कांग्रेस पक्षरु घोषणा करा जैछि। तबे भाई सीट छाड़िबा परे भौणी प्रियंका गांधी डेब्यू करिबाकु जाउछन्ती। राहुल राय बरेली सीटरु सांसद रहिबे बोली जणा पड़छि। एनी प्रेस मीट करी स्पष्ट करिछि कांग्रेस गांधी परिवारर पारंपरिक आसन राय बरेली रखी वायनाड छाड़िछन्ती राहुल गांधी। पूर्वरु वायनाड रु सांसद रहिथिले राहुल एथर दुईटी जक आसन रु बहु मार्जिन रे जितिबारे सफल होइछन्ती राहुल। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। प्रचार बेले मां सोनिया गांधी राहुल गांधी को रायबरेली समर्पित देबा कथा कही भाव विहूल हो पड़थिले, हेले वर्तमान परिस्थिति रे तांकु एही आसन छाड़िबा को पड़छि। उत्तर प्रदेश रे कांग्रेस रा स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत होइतवा बेले राजनीतिक दृष्टिकोण रु रायबरेली आसन गुरुत्व बहन करुछि। तेबे उपनिर्वाचन रे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भद्रा वायनाड रु प्रार्थी हेबे आउ प्रथम थर पई प्रियंका गांधी भद्रा कोनसे निर्वाचन रे प्रार्थी हेबाकु जाउछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।